यह है कि ये खुलेआम धमकी देते हैं, कहते हैं कि अगर ये जीत नहीं होते तो कर्नाटका को मोदी जी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। कहते हैं कि भाजपा हार गई तो यहाँ बहुत झगड़ा हो जाएंगे। मैं आपकी तरफ से इनसे कहना चाहती हूँ कि कर्नाटका के लोगों को इतना बेबस और लाचार मत समझे। कर्नाटक के लोग किसी के आशीर्वाद पर नहीं, अपनी मेहनत और संकल्प पर भरोसा करते हैं। कर्नाटक के लोग डरपोक नहीं, लालची नहीं है कि आप उन्हें फुसला दें। कर्नाटक के लोग 10 मई को आपको बताएंगे कि वे किस मिट्टी से बने हैं। सहोदरा सहोदरी यारे नमस्कार। दूर दूर से यहाँ आने के लिए मैं आप सबको दिल से धन्यवाद देती हूँ। इतनी बड़ी तादाद में आपकी मौजूदगी कर्नाटका के बेहतर और नए भविष्य की गारंटी है। मुझे पूरा विश्वास है कि अब इस राज्य के दिन बदलने में देर। ये खुलेआम धमकी देते हैं, कहते हैं कि अगर ये जीत नहीं होते तो कर्नाटका को मोदी जी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। कहते हैं कि भाजपा हार गई तो यहाँ बहुत झगड़ा हो जाएंगे। मैं आपकी तरफ से इनसे कहना चाहती हूँ कि कर्नाटका के लोगों को इतना बेबस और लाचार मत समझे। कर्नाटक के लोग किसी के आशीर्वाद पर नहीं, अपनी मेहनत और संकल्प पर भरोसा करते हैं। कर्नाटक के लोग डरपोक नहीं, लालची नहीं है कि आप उन्हें फुसला दें। कर्नाटक के लोग 10 मई को आपको बताएंगे कि वे किस मिट्टी से बने हैं। भाइयों और बहनों, जब 1978 में इंदिरा जी अपने ऊपर केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ संघर्ष कर रही थी तो चिकमंगलूर के लोगों ने उनका पूरा साथ दिया था। मैंने भी जब 24 साल पहले मैं पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा तो मुझे भी बेल्लारी के लोगों का विश्वास और समर्थन मिला। हम सभी का फर्ज है कि इस अंधेर गति की सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करें।